बेटमा के सिंधीपुरा गांव में हुए महादंगल में महिलाओं ने भी जमकर दांव पेच आजमाए। इसमें प्रदेश स्तर के पहलवानों ने जोर आजमाइश की। प्रदेश के ख्याति प्राप्त पहलवान युवराज उस्ताद ने सीआरपीएफ महाराष्ट्र पुलिस के गणेश जाधव को चित कर दिया। दंगल का विशेष आकर्षण महिला कुश्ती का आयोजन रहा। सिंधीपुरा गांव में कुश्ती दंगल गवली कुश्ती एकेडमी के तत्वावधान में हुआ। इसमें महाराष्ट्र सहित इंदौर महू भोपाल सहित कई शहरों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रमुख कुश्ती इंदौर जिले के युवराज गवली उस्ताद का मुकाबला गणेश जाधव महाराष्ट्र पुलिस से हुआ। युवराज ने चंद मिनटों में गणेश जाधव को चित्त कर दिया। महादंगल में आकर्षण का केंद्र महिला कुश्ती भी रही। इसमें भोपाल को स्वर्ण पदक विजेता संतोषी पहलवान ने पूनम पहलवान बेरसिया को धोबी पछाड़ से चंद मिनटों में ही आसमान दिखा दिया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पहले पहलवान है, इनने बहुत अच्छी शुरुआत करी छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में। आजकल जहां नशा की ज्यादा शुरुआत है वहां पे आज युवराज पहलवान ने एक अकेडमी खोलने का निर्णय लिया और आज छोटा सा कार्यक्रम कराया। आगे जाके बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और युवराज पहलवान बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं और बहुत बढ़िया पहलवान और खुद कुश्ती भी लड़ते हैं। जय हिंद जय भारत। भैया युवराज पहलवान के अथक प्रयासों से आज काली बिल्लौ सिंधीपुरा में दंगल का आयोजन किया गया और जो बहुत ही सफल रहा। बड़े बड़े पहलवानों ने यहाँ आकर दंगल में शिरकत की और महाराष्ट्र से गणेश पहलवान से विजयपालपुर के हमारे युवराज भैया विजय हुए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके प्रयास से हमेशा कुश्ती दंगल चलते रहते हैं। कई जिलों में उनके द्वारा अखाड़े खोले गए हैं जिनमें नए नए बच्चे आकर कुश्ती का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नए नए पहलवान आते हैं, मेडल जीतते हैं। तो ऐसे युवराज भैया को मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी और इनके सहयोग से जो भी पहलवान आगे बढ़ते हैं उनमें सभी का सहयोग रहेगा। और आज की कुश्ती का आयोजन हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाया, हमें सम्मान प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीतू शर्मा भोपाल से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।